ज्यादा उस टाइम तो यार आप उम्मीदें बांध लेते हो शुरू में ही, अगर आपको पता चले चाहे दो दिनों चार दिनों, एक माँ तो उम्मीदें बांध लेती। हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो शूट हो रहा है स्पेशल आप लोगों की डिमांड पे, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया था कि अपना प्रेगनेंसी की, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगी। फिर मिस्ट्री मैन को साथ लेके बैठी हूँ, क्योंकि जैसे कि आजकल लोग कहते हैं वी आर प्रेगनेंट, तो वी वर प्रेगनेंट एट दैट टाइम। तो मैं बताती हूँ क्या था, कैसी थी, कैसी रही हमारी। बहुत ईजी नहीं थी और मुझे ये लगा कहीं कोई चीज मैं मिस करूं तो मिस्ट्री मैन का बैठना जरूरी है, तो इनको मैंने कहा आप भी बैठो, मेरा भी बैठना जरूरी है। हाँ, तो इसको और इसको सुनना है, सुनना था। तो चलिए शुरू करते हैं। ये उन दिनों की बात है कि हमारी शादी हुई 2005 में दिसंबर में। तो हुई शादी तो मिस्ट्री मैन का ये था कि शुरू में कि अपना अभी घूमेंगे फिरेंगे, अभी अभी हम मतलब फैमिली प्लान नहीं कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। तो ये 2007 की बात है, 2008 की भाभी प्रेग्नेंट थी शौरिक को लेके, मतलब सेकंड प्रेगनेंसी थी भाभी की। तो उस टाइम मेरा बहुत वो था कि नहीं यार, मैं भी बड़ी वो थी कि नहीं यार बेबी चाहिए, अब तो बेबी होना चाहिए घर में। जब एक लगता है ना कि आपको एक आपके घर में एक बच्चा आ रहा है, तो तब लगता है कि नहीं यार। तो हम लोगों ने मतलब हमें हम लोगों को पता चला ये अराउंड अक्टूबर में मुझे कुछ लग रहा था कि बॉडी में कुछ चेंजेस है, तो कुछ लगा कि नहीं यार कि मुझे लगा कि शायद वी वर प्रेगनेंट एट दैट टाइम। तो मिस्टी मैन ने कहा नहीं नहीं कुछ ऐसा नहीं है, बट हमने चेक किया तो यस जो टेस्ट था वो पॉजिटिव आया। एक बार ही टेस्ट किया, दो बार ही टेस्ट किया, बट उस टाइम मैं तो बहुत थ्रिल थी, बहुत एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी। इनफैक्ट इनको मैंने बताया तो मिस्टी मैन थोड़ा सा शुरू में वो थे कि क्योंकि एक्चुअली वो नहीं था, अभी भी सना कोई चीज लगती है, बट था उस टाइम ये चीज कि मिस्ट्री मैन वॉज नॉट हैप्पी उस टाइम की, नहीं उनको क्योंकि वो प्लान नहीं थी और वो चीज उनको था कि नहीं यार अभी हम घूम फिर रहे हैं। बच्चे होने के बाद एक एक्चुअली थॉट प्रोसेस ये रहता है, मिस्ट्री मैन का ये था कि जब बेबी हो जाएगा तो बेबी आप पूरा ध्यान आपका बेबी के ऊपर जाता है, जो उनका थॉट था। और हमने दो ढाई साल तीन साल बहुत एंजॉय किया, कभी भी कहीं घूमने जाते थे, कुछ भी था, मतलब एक टेंशन फ्री लाइफ थी। और नो डाउट बच्चे के पास जिम्मेवारियां बढ़ती है, बट वो भी एक बहुत ब्यूटीफुल फेज होता है लाइफ का जो आप एंजॉय करते हो, अगर मेरे जैसे बच्चों। तो उसमें फिर हम लोगों ने, हमें पता चला बट हमने घर में नहीं बताया। उस टाइम भाभी का सबको पता था कि हाँ कंसीव किया हुआ, भाभी का मेरे ख्याल 3-4 मंथ्स है, इन दोनों के बीच 4 मंथ्स का गैप है। और जिन लोगों को नहीं पता, जो नए जुड़े हैं कि शौर्य कौन या हम कैसे, तो वो आप Q&A वीडियो जाके देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक लगा देंगे। तो उसमें फिर हमने घर में किसी को नहीं बताया, क्योंकि घर में मम्मी की तरफ से भी, हमें घर वालों की तरफ से भी कोई ऐसा प्रेशराइज नहीं किया गया था कि आप जल्दी प्लान कीजिए बेबी होना चाहिए, क्योंकि घर में दीदी की शादी पहले हुई तो ऋतिक भी था घर में, खुशी भी थी, तनिष भी था और शौर्य तो होने ही वाला था। तो मम्मी की तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं था यार कि घर में बच्चे नहीं है तो क्यों। तो हमने चुपचाप मिस्ट्री मैन ने कहा कि कोई बात नहीं, डॉक्टर को दिखाएंगे हम, ऐसे घर में अभी किसी को मत बताना। जो उन्होंने मुझे बताया तो मैं भी चुप रही कि कोई बात नहीं। फिर हम 2-3 दिन बाद गए थे और आते जाते हम लोगों ने ना एक डॉक्टर वैसी देखी थी, कोई हमने किसी से सलाह नहीं की कि कहाँ जाना चाहिए क्या नहीं है, ये अभी किसी को नहीं ये स्टोरी पता, मैं फर्स्ट टाइम शेयर करूंगी। तो घर वाले भी, मैं दीदी से पूछा था, मैंने कहा आपको कुछ शेयर किया था, मैंने उस टाइम इतनी शेयर नहीं कर सकते थे ना, हर चीज छोटी बड़ी, मैं आपके साथ तो सारी फीलिंग्स शेयर कर रही हूँ कि उस टाइम क्या फील किया हमने, कैसे था। तो हमने डॉक्टर के पास जाना था, तो डॉक्टर भी हमने किसी से सलाह नहीं ली। तो हम लोग घूमने जाते थे, तो एक उपचार नर्सिंग होम था अशोक विहार में, जाते आते देखा था डिग्रीज बड़ी अच्छी थी, दो वहां बोर्ड्स लगे होते थे, तो हमें लगा कभी आगे टाइम आएगा तो यहाँ आ जाएंगे, और वो टाइम भगवान ने जल्दी ले आया। और उस टाइम जब हमने चेक किया था ना, तो उस टाइम नराते चल रहे थे, जब बता रही हूँ नरातों से पहले की, जस्ट नरातों से पहले की बात हो गई। हम चौकीधानी जस्ट घूम के आए थे उससे पहले, जब हमने घर आके चेक किया और फिर हम डॉक्टर के पास गए, तो नराते मेरे ख्याल शुरू होने वाले थे। तो वहां गए डॉक्टर, पहली बार हम मिल रहे थे उन डॉक्टर से, तो डॉक्टर अलका थी वहां, डॉक्टर अलका गुप्ता। तो हम गए उनसे, हमने ऐसे ऐसे बताया कि ऐसे ऐसे मैम घर में पॉजिटिव भाई टेस्ट ऐसा आया। तो हमने दो टेस्ट किए थे ना, एक टेस्ट में हल्की लाइन थी, एक टेस्ट में डार्क लाइन थी। तो दोनों उनको दिखाए, तो उन्होंने बोला हाँ पॉजिटिव है, बट मिस्ट्री मैन होता ना खुश होने की जगह वो पजल थे, दुखी नहीं थे, पजल थे वो, उनको लग रहा था नहीं ये काम तो हो ही नहीं सकता, जो भाई कैसे हो गया ये। तो उन्होंने डॉक्टर को पूछा मैम कंफर्म है, और इन्होंने 4 बारी पूछा होगा डॉक्टर से, डॉक्टर ने कहा हाँ भाई लिख के दूं, हाँ प्रेग्नेंट है। तो उन्होंने कहा आप टेस्ट कुछ नहीं करोगे? उन्होंने कहा नहीं हो गया ये। फिर उन्होंने समझाया कि एक हार्मोन लेवल होता है वो ज्यादा हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो वो बढ़ा हुआ आता है तभी आपकी डबल लाइन आती है। तो फिर ठीक है, फिर हम सुन के आ गए घर वापस।
घर वापस आए तो सबसे पहले हमने ये न्यूज शेयर की थी भाभी के साथ, भाभी को बताया था ना सबसे पहले, मम्मी को भी नहीं बताया था तब। वो सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी भाभी, क्योंकि उनको था मिस्ट्री मैन का, वही एक होता है बॉन्डिंग होती है। फिर अगले दिन मम्मी को भाभी ने ही बताया कि ऐसे ऐसे मिस्ट्री मैन और रूबीना जो है प्रेग्नेंट है और उनको ऐसे ऐसे गुड न्यूज है, तो सब खुश हो गए यार। हाँ, वेट तो सबको थी अंदर से, तो जी हो गया। फिर क्या हुआ, यहां से होती है जो मैं आपको बता रही थी कि क्या हुआ, वो जो होती है मिस हैपनिंग जोनी शुरू होती है, क्योंकि अभी खुशी एक होता ना सिंक इन ही नहीं हुई थी। डॉक्टर ने हमें उस टाइम बोला था कि नेक्स्ट वीक आप आना, कोई टाइम हो रहा था कि स्कैन होगा आपका नेक्स्ट, जब हमने टेस्ट कराया था शायद एक स्कैन तभी हो गया था, पर उन्होंने कहा कि दूसरा स्कैन के लिए अभी सेकेंड स्कैन होगा तो तब वो कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम जो है वो थोड़े क्रूशियल होता है उस टाइम। तो अगला हफ्ता हुआ ही नहीं, उससे पहले मेरे ख्याल 4 to 5 days के अंदर मेरी तबीयत खराब हो गई। तो मैंने मैम को फोन कॉल किया, मैंने कहा मैम ऐसे ऐसे, तो मैम ने कहा कोई बात नहीं तुम अपना स्कैन करो और मेरे पास आओ। मैं मतलब बहुत ज्यादा, उस टाइम तो यार आप उम्मीदें बांध लेते हो शुरू में ही, अगर आपको पता चले चाहे 2 दिन हो 4 दिन हो, एक माँ तो उम्मीदें बांध लेती है, हस्बैंड शायद वो लगे उनको कि कोई बात नहीं। तो मैं तो डर गई, पर हम शाम को स्कैन कराने गए, स्कैन कराया तो मुझे अभी तक याद है, उन्होंने अल्ट्रासाउंड वाली थी डॉक्टर, वो भी लेडी थी, उन्होंने बोला मुझे कि कह रहे कोई हार्ट बीट बड़ी ठीक थी टचवुड बच्चे की, तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा भाई, कोई याद नहीं, आजकल के बच्चे ना अपनी माओ को रेस्ट कराते हैं इसलिए तेरे को बेड रेस्ट आ जाएगा, तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर फिर उसके बाद डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा ये ना थ्रेटन्ड अबॉर्शन है ये चीज़, कि आपका अबॉर्शन हो सकता है। तो वो सुन के तो यार मैं गई, और उस टाइम मतलब इतना मुझे लगा कि इतनी मैं इमोशनल हो गई, इतना मतलब ऐसा हो गया था कि हाथ से गया मेरा बच्चा। तो वहां पे उसमें अभी भी बोलते हुए मेरे को ऐसे ऐसा लग रहा है, इमोशनल हो रही हूं मैं, कि उस टाइम तो मैं इधर ही हूं, उस टाइम मुझे तब भी वो चीज याद करके ना, तो उस टाइम मुझे याद आया कि गुरदीप है मेरी फ्रेंड, उसका बेटे का फर्स्ट बर्थडे था, हमने किसी को नहीं बताया, उन्होंने एडमिट कर लिया, डॉक्टर ने मुझे एडमिट कर लिया, और हमने घर में फोन बताया कि ऐसे ऐसे उन्होंने एडमिट कर लिया। अभी उन्होंने कहा था मैं आपको एक दिन ऑब्जर्वेशन में रखूंगी, ठीक लगेगा तो ठीक है, नहीं तो आपका अबॉर्शन हो सकता है। तो ये तो प्रिपेयर्ड थे, इनको कुछ नहीं था, कि इन्होंने कहा जो चीज़ हाथ में ही नहीं है उससे क्या ऐसी चीज़, ऐसा क्या लगाओ, कोई बात नहीं। बट मैं वो हमने उन्होंने इंजेक्शन मुझे अभी तक याद है, हुकॉक के इंजेक्शन लगाने शुरू किए, पहला लगाया और अगले दिन, और बाई चांस एक होता ना दिल से दिल की, तो गुरदीप से के साथ मैंने किसी को नहीं बताया था, कुछ नहीं बताया था, इनफैक्ट अपने पापा को भी नहीं बताई थी ये चीज़ मैंने, कि क्यों, क्योंकि यार क्या बताती ना इस चीज़ में, मुझे था कि अभी कुछ फाइनल हो जाए तो बताऊं। तो गुरदीप मुझे फोन कॉल कर रही थी अगम के बर्थडे के लिए, कि मेरा फोन था नहीं, मैं फोन लेके नहीं आई थी, तो उसने फिर इनको फोन करा इधर उधर करके, उसको पता चल गया और वो टेंशन में, उसका बेटे का फर्स्ट बर्थडे, मैं तो अटेंड ही नहीं कर पाई। फिर उसने कहा सब ठीक हो जाएगा, वो आई हॉस्पिटल में मेरे से मिलने, वो रात मैं वहां रुकी, अगले दिन डॉक्टर ने सब चेक करके, उन्होंने अभी भी बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं थी, बट उन्होंने कहा कि चल तू घर जा, कि घर ले आए मिस्ट्री मैन मुझे। घर आई, उन्होंने मेरे को ये बोला कि मेरा ना उस टाइम तक एक्चुअली पता भी लेट चला हम लोगों को, तो उन्होंने मेरे को बोला कि तेरे सिर्फ 15 to 20 days हैं जो क्रूशियल हैं तेरे लिए, वो तुम निकाल जाओ। और डॉक्टर वो इतनी अच्छी थी, 2 doctors बैठती थी, बिल्कुल मुझे लगा कि मेरे लिए उन्होंने मदरली ट्रीटमेंट मुझे दिया, मुझे कोई भी ऐसी ऐसे प्यार से बात करती थी, और पहली बारी हम, मैं तो इसका केस मेरा पहली बारी का ही था, तो उन्होंने बोला कि 15 to 20 दिन तुम्हें बिल्कुल बेड रेस्ट है, कुछ नहीं करना तुम्हें, 15 to 20 दिन अगर तेरे निकल गए ना तो प्रेगनेंसी स्टेबल है, फिर कुछ नहीं है। तो 15 to 20 दिन मम्मी ने बहुत बहुत ज़्यादा मेरी, एक होता ना कि बैठे बैठे उन्होंने सब कुछ, कहीं हिलने नहीं दिया, कुछ नहीं, बेड पे मुझे रोटी सब कुछ, मम्मी ने मेरा वो टाइम बहुत अच्छे से निकाला। तो 3 महीने हो गए, 3 महीने बाद मुझे डॉक्टर ने बुलाया था स्कैन के, दुख स्कैन करवाएंगे फिर आना, वो स्कैन किया, वो राम राम करके बहुत अच्छा हो गया, और उसमें सब कुछ बच्चे की जो जो चीज़ें होती हैं परफेक्ट आई, सब कुछ आई, तो मैं नॉर्मल मैं लाइफ जीने लग गई। हमें लगा अब सब ठीक है, क्योंकि भाभी की प्रेगनेंसी भी साथ साथ चल रही थी उस टाइम, वो 4 महीने आगे समझ लो, मेरे 3 महीने तो उनके 7 months थे, तो उनकी तो बड़ी स्मूथ थी प्रेगनेंसी, ऐसे ही मैं बोलूं तो उनकी सेकंड भी थी, तो साथ में हम लोग बड़े, अब हमने कहा कूल है भाई कोई बात नहीं, फिर घूमे फिरने, फिर नॉर्मल लाइफ शुरू हो गई, कि कुछ नहीं कर रहे कोई भाई, 3 महीने तो निकल ही चुके थे। टाइम आया, मेरी डॉक्टर थी वो, उन्होंने 5th month स्टार्ट होने से पहले 4.5 महीने में, कितना ट्राइमेस्टर होता मुझे नहीं पता, उन्होंने मेरे को बोला ट्रिपल टेस्ट कराया, एक हर डॉक्टर नहीं कराती बट मेरी डॉक्टर ने जरूर, वो कहती मैं हर पेरेंट का कराती हूँ, क्योंकि उस टाइम तो मैं थी भी, यंग थे हम लोग, तो उस टाइम उनको ये था कि भाई ट्रिपल टेस्ट तो कराना ही कराना, उसमें क्या होता है बच्चे में कोई भी एक माइनर सी भी कुछ क्या कहते हैं वो है ना,
कोई भी चीज अगर कोई प्रॉब्लम है, माइनर सी भी कोई प्रॉब्लम होगी ना, तो वो उसमें डिटेक्ट हो जाती है. तो उनका ये था कि केस यार डॉक्टर्स भी आजकल अपना केस खराब नहीं करते. तो मैंने, हम लोगों ने वो ट्रिपल टेस्ट करा लिया, नॉर्मल जैसे टेस्ट होते हैं हम लोगों ने करा लिए सारे. तो वो टेस्ट करा के हटे, दो तीन दिन के अंदर हमें, मुझे वो भी टाइम याद है, दोपहर को नर्सिंग होम से कॉल आ जाती है मेरे नंबर पे कि आपका ना ये टेस्ट की रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई हैं, आप शाम को आके मिलो डॉक्टर साहब से. सिस्टर ने कॉल कर दिया. मैं फिर टेंशन में, मैं तो फिर रहूं इतना, मतलब मैं इमोशनल, मैं भाभी से गले लग लग के रहूं. मम्मी को भी मैंने नहीं बताया, मैं कहा यार इमोशनल हो जाएंगी, मतलब मैं इतना रोई. मुझे ये लगा यार घर कॉल आने का मतलब ऐसे नहीं है कि क्यों आएगा कॉल, घर में क्यों ही आएगा ना. तो वो दो घंटे मेरे लिए निकालना बहुत मुश्किल है. 5 o'clock डॉक्टर बैठती थी, हम लोग सबसे पहले, मैंने मिस्ट्री मैन को बोला, ये कूल रहते थे. कूल क्या, ये कहते थे सब ठीक होगा. इनको ये था कि अगर हमारी किस्मत में है वो चीज़ हमें मिलेगी, और उसमें कोई तुम, मतलब ये और मम्मी बड़े कूल है इस चीज़ में. मैं थोड़ा, मेरा दिल छोटा है, मेरे को ना नेगेटिव साइड में ज़्यादा सोचती हूँ आज भी. तो हम गए वहाँ नर्सिंग होम, वहाँ मैम के पास गए, सबसे पहला नंबर था. तो मैम ने बोला हाँ जी. तो मैंने कहा यस मैम, मैम का कॉल आया था ऐसे. मैम कह रही तेरे ना ये कुछ ब्लड काउंट्स थे वो एक रेंज में आए थे, जिस रेंज में मतलब कि 1 lakh में से एक बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटी हो सकती है. तो मैं तो सुन के, मेरे को तो लगा यार ये तो चीज़ गलत हो गई. तो उन्होंने बोला कि आप चांस लेना चाहोगे? तो इन्होंने तो कहा नहीं, क्यों, हम तो नहीं. मैम ने कहा मैं भी नहीं चांस ले सकती कि भाई तुमने, उन्होंने कहा तुम एक नहीं तो दो बच्चे करोगे, बट इसमें चांस तुम ले सकते हो कि एबनॉर्मल तुम्हारा बच्चा हो. भाई यार एक होता है कि पता चलने के बाद अगर आप ये चीज़ करते हो तो मैम ने कहा कि तुम चाहते हो कि उसके बाद तुम वो चीज़ रिस्क लेना चाहते हो? हमने कहा नहीं. तो उसका भी आगे फर्दर प्रोसेस है कि एक टेस्ट होता है अमीनोसेंटेसिस. अमीनोसेंटेसिस में आपका पेट में नीडल डाली जाती है, वहाँ से पानी निकाला जाता है, और उस पानी की टेस्ट होती है. फिर एक कल्चर आता है उसका, एक 3 दिन की रिपोर्ट आती है, एक पूरे 1 week की रिपोर्ट आती है. उसमें पता चलता है कि अगर वो ठीक होगी तो ठीक है, अगर नहीं ठीक होती तो 5 months से पहले हमारा गवर्नमेंट, हमारा लॉ कहता है कि आप अबॉर्ट करा सकते हो. आपका, आपके पास राइट है, 5 months कंप्लीट हो जाए तो आपके पास, आपने करा ही नहीं सकते चाहे आपको कितना भी कुछ पता है. मैं तो परेशान कि भाई क्या होगा यार, इतनी आगे पहुंच के हमने तो कितनी चीज़ें प्लान कर ली थी, इतना चीज़ सोच ली थी. मैंने कहा यार भगवान मेरे साथ ही क्यों, हर चीज़ गलत जो होनी है मेरे साथ ही क्यों. तो फिर भी हमने घर आके बताया, घर वालों ने मना ही किया था कि ये फालतू के ऐसे है, ऐसा है, वैसा होता है. बट हमने कहा नहीं यार, मिस्ट्री मैन कह रहे नहीं टेस्ट तो कराएंगे. हमने अमीनोसेंटेसिस, वो सिर्फ होता था गंगाराम हॉस्पिटल में. हम सुबह सुबह हस्बैंड वाइफ गए, मुझे अभी तक याद है, वहाँ गए तो वहाँ तो लग रहा था सारी लेडीज, सारे बच्चे आए, लड़कियाँ, यंग लड़कियाँ जो आई हुई थी सब, तो वो सबका टेस्ट हो रहा था वहाँ पे. मेरी बाकी टेस्ट जो थे सब कुछ नॉर्मल थे. अमीनोसेंटेसिस, और डॉक्टर ने, अल्ट्रासाउंड वहाँ चल रहा होता है, वो आपका ना नीडल डालते हैं और उसमें आपसे साइन कराए जाते हैं कि अमीनोसेंटेसिस के बाद भी आपका अबॉर्शन हो सकता है, क्योंकि आप रप्चर कर रहे हो उस जो जिस बैग में बेबी है, वो वाटर बैग रप्चर हो गया तो आपका अबॉर्शन वैसे ही हो जाएगा. तो वो भी उन्होंने साइन कराए थे. वो घर में किसी को ये चीज़ नहीं पता थी, बट वो ज़रूरी था कराना. ऐसा होता कम है, बट वो लिखवा लेते हैं, आपसे साइन करा लेते हैं. हमने वो कराया, उसके बाद भी 2-3 दिन का बेड रेस्ट होता है. हमने कराया, उसके बाद हम लोग घर आ गए. पहली रिपोर्ट आई, तो एक पहली रिपोर्ट की तो टेंशन वैसे ही इतनी. वो पहली रिपोर्ट आई कि ठीक आई रिपोर्ट. वो मैम ने कहा अगर ये रिपोर्ट ठीक है ना तो जो कल्चर आएगा ना, जैसे यूरिन का एक कल्चर भी आता है, वो थोड़ा टाइम लेता है ना. तो उसने कहा उनको ना ये सेल्स को वो ग्रो करते हैं, फिर वो चेक करते हैं कि उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है. मैम ने कहा अगर ये ठीक आई है ना तो 90% वो ठीक आएगी, बट 10% चांसेस हैं कि इसमें डिटेक्ट नहीं हुआ उसमें डिटेक्ट हो जाए. मतलब आपकी गले से फंदा भी कहीं नहीं गया. हम लोग, मतलब इन्होंने टेंशन दिखाई नहीं. मैं तो घर में, मतलब मैं तो बड़ी ऐसा हो गया था घर का माहौल की जैसे पता ही नहीं क्या हो गया. फिर दिन आया वो जब उसकी रिपोर्ट आनी थी. रिपोर्ट आई तो जी हम लेने पहुंचे. वो जो स्टेयर केस था ना, वो रास्ता ही हमसे पार नहीं हो रहा था. वहां जाके रिपोर्ट खुली, धक 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 धक, जो ये मूवीज में दिखाते हैं ना वो चीज मैंने उस दिन फील की थी. मिस्ट्री मैन और मेरे हाथ कांप रहे थे लिटरली जब हमने रिपोर्ट वो खोली. रिपोर्ट खोल के जब हमने उसमें देखा कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, हम लोग इतने ऐसे होता ना सुकून. वहां से झंडे वाला मंदिर पास था, हम पहले मंदिर मत्था टेका माता रानी को, वहां मत्था टेकने के बाद मिस्ट्री मैन मुझे ले गए थे रोशन कुल्फी पे. वहां कुल्फी हमने अच्छा सा कुछ खाया, सेलिब्रेट किया. घर हम डब्बा लेके आए प्रसाद का, सबको खिलाया. तब हो गया जी नॉर्मल प्रेगनेंसी हमारी, कि हमारा बेबी अब सेफ है.
चलो जी फिर तो फिर और खुश, हम तो बढ़िया, हमने आगे प्लानिंग शुरू की, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे सब कुछ जो तैयारियां शुरू होते हैं, पर कहां अभी भी कहां रुकते हैं हम लोग, इसके बाद भी अभी ये नहीं हुआ कि चार महीने मेरे आराम से निकल गए, नहीं, इतनी देर में शौर्य हो गया तो इसके बाद मेरा 8th month में स्कैन हुआ, जो 8th month का स्कैन होता है ना उसमें ना वो डॉक्टर को लग रहा था कि मेरा पेट जो है जरूरत से ज्यादा बड़ा था, ऐसे लगता था जैसे ट्विन प्रेगनेंसी नहीं होती वैसे ही, वो मुझे मेरी फ्रेंड ने भी बोला था कि ऐसा लगता है कि तेरी ट्विन प्रेगनेंसी है, तो उसका कोई ना कोई रीजन तो होता है, बट स्कैन टाइम टू टाइम ही होते हैं, वो 8th month में जब 8th month का एंड होने वाला था तो वो स्कैन डॉक्टर ने कराया तो उसमें पानी ज्यादा था, अब एक कॉम्प्लिकेशन ये आ गई, भाई क्यों आ गया पानी, तो डॉक्टर कह रही है ये रीजन ये है कि बच्चा अंदर यूरिन ज्यादा कर रहा है रीजन, तो डॉक्टर ने बड़े अच्छे से समझाया, डॉक्टर अलका मेरी अभी भी फेवरेट है वो, तो उन्होंने समझाया कि बच्चा यूरिन ज्यादा कर रहा है तो किसी रीजन से कर रहा है, हो सकता है सुबह तू आ और ग्लूकोज का पूरा उन्होंने डब्बा पिलाया, अगले दिन हम सुबह गए हमने वो डब्बा पिया, और डब्बा क्या पिया वो पूरा ग्लूकोज का डब्बा पीने के बाद मेरी शुगर आ गई, कितनी आई थी 300 हाई शुगर, जो कहीं शुगर का मुझे अता पता ही नहीं था, मुझे हो गई गैस्ट्रेशनल डायबिटीज, और ये हो जाती है, मैं तो फिर डर गई, मैंने कहा यार ये तो बच्चे को इम्पैक्ट करेगी वो चीज़ कि बच्चा अंदर है और आपको डायबिटीज होगी, फिर डॉक्टर ने मुझे फिर प्यार से समझाया, कह रही है ये भी नॉर्मल है, अब मानोगे घर में ऐसा हो गया था कि सारी कॉम्प्लिकेशन इसी के साथ क्यों आ रही है, और आ रही थी भाई ऐसे ही मैं बोलूँ आ रही थी, कि जैसे नहीं होता भगवान की खुशियां एकदम से नहीं दे सकता, अच्छी थी इसके लिए वेट करना पड़ता जो भी था, तो उसमें मेरे को शुगर इतनी थी, उस टाइम मैम ने कहा हम वो डायबिटीज की टैबलेट से तेरा नहीं चलेगा क्योंकि बच्चे को तब तक नुकसान हो जाएगा, तो उन्होंने कहा, और टाइम भी नहीं था कि बच्चे को अब वो कहें सिजेरियन करो और बच्चा हो जाए, वो भी चीज नहीं थी, टाइम था अभी बच्चे के लंग्स वो कह रही थी अभी मैच्योर नहीं होंगे, सारी जो उन्होंने मुझे चीजें बताई उस टाइम, तो उन्होंने कहा कि इंसुलिन का इंजेक्शन तब नया नया आया था, उन्होंने कहा पेन इंसुलिन का तुझे लगाना पड़ेगा, जैसे मम्मी लगाती है ना वो मैं तब करती थी, खाने से जस्ट पहले इंसुलिन का पेन दिया था उन्होंने, वो आप कहीं भी प्रिक कर सकते हो, पेट पे ही करना होता था, तो फिर शुगर ध्यान रखी 15 से 20 दिन मैंने ऐसे काटे होंगे, एंड में आते आते मेरे यूरिन इन्फेक्शन भी हो गया, जो चीज कुछ जो जो हो सकता था वो सब इसने लड़की ने इतना तंग किया मेरे को, फिर एंड में मैम ने बोला कि अब 15 से 20 दिन हमने काटे, जब तक उनको लगा कि लंग्स मैच्योर हो गए होंगे, इसका उन्होंने वेट चेक किया, फिर उन्होंने कहा भाई इसको हम बच्चे को अननेसेसरी परेशान नहीं करते, हम ये आपको लेबर इंड्यूस कर देते हैं, कि अभी तो मेरी डेट थी मे एंड की, हमें ये था ऋतिक के बर्थडे के आसपास ही होगी, बट वो था कि हम तो ये प्लान कर रहे थे दोनों का साथ में हो जाएगा, तो ये हमें उन्होंने पूछा कब कराना है, तो तब तक शौर्य 13 जैन को हुआ था, तो मैंने कहा मैम अगर कर रहे हो तो फिर हमें 13 मई का कर दो कि हमें एग्जैक्ट 4 months का हो जाएगा दोनों का, तो उन्होंने कहा ठीक है 12 को आ जाओ, हम 12th को गए ना, तो मैं अपने घर में सब कॉट वॉट इसका रेडी करके गई थी, हम हमारे घर में कहते हैं बॉयज को ना पिंक नहीं, पिंक में बच्चे को लुटाते भी नहीं है हमारे घर में, इतना वहम है, बट अंदर से हमें ना जब पता चला था ना अक्टूबर में, तो हमें ये था कि माता रानी नराते थे, तब मिस्ट्री मैन को था माता रानी अगर हो ना तो कंजक, और मुझे लड़कियों को सजाने का बड़ा शौक था, तो मुझे था कि भाई बिटिया, मुझे था शुरू से ऐसा चीज, हालांकि 2nd time जब भाभी का ये चौरे हुआ तो तब हमें था कि घर में बिटिया ही होगी, बट चलो कोई नहीं, तो इसके टाइम तो पक्का ही था यार बेटी ही होनी चाहिए, और मांगी भी थी, तो हमें अंदर से था कि नहीं यार होगी, तो हम पिंक कलर का बटरफ्लाई थीम का इसका कॉट वॉट सब रेडी करके गए थे, पिक्चर्स है अभी रखी हुई हैं, होती तो मैं आपको दिखाती जरूर, तो हम लोग चले गए वहां, चले गए, ये भी एक लास्ट का एक थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा मजा आ रहा होगा आपको सुनने में, बट वो लास्ट में उन्होंने पूरी रात मुझे दवाइयां दी, मेरे को पेन्स ही नहीं आए, मेरे को पता ही नहीं कि पेन्स होते कैसे हैं, कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे थे बट पेन्स नहीं आ रहे थे, उन्होंने सुबह उनको लगा कि बच्ची इसकी हार्ट बीट हो गई तेज, क्योंकि वो उन्होंने पूरा वो मॉनिटर लगाया हुआ था, तो उन्होंने ना इनको आके चुप से कैसे बताया मिस्ट्री मैन को कि ऐसा नहीं हो पा रहा, बच्चे की हार्ट बीट तेज है, आप रिस्क नहीं ले सकते, तो इसको ले जाए हम ओटी में, वो इनसे पूछ रहे थे, मैंने अंदर से सुना, मैंने कहा मैम ले जाओ यार मेरे को, मैंने तो बोला ही था आपको, तो 10:30 पे वो लेके गए और 11:45 पे ये हो गई थी, और उसके बाद तो हो गई, और ये थी हमारी प्यारी सी गुड़िया आ गई हमारी जिंदगी में, और हम क्या सारे घर में खुश थे कि ओ बेटी आ गई बेटी आ गई, मतलब ऐसा हो गया था कि सेफली सब कुछ हो गया, और इसके होने के बाद तो यार मैंने तो थैंक गॉड, और उन माओं को सलाम है जो माएं बच्चे पैदा करती हैं, और यार बहुत एक माँ के लिए 2nd birth है वो टाइम, वो 8th month जो मैंने निकाला था ना मेरा दिल जानता है यार, पर सच्ची कह रही हूँ अपनी माओं को अपनी मदर्स को खूब सारा प्यार दीजिए, और ये था एक छोटा सा
वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ये मेरी इमोशनल जर्नी थी जो मैंने आपसे पूछा कि आप सुनना चाहते हो कि नहीं सुनना चाहते, और मैं ये चाहती थी कि ये भी सुने और इस चीज को रिस्पेक्ट करे कि मम्मा पापा ने कितना, पापा ने भी किया है, उन्होंने इमोशनली किया है, मैंने फिजिकली इमोशनली दोनों किया है। आप इमोशनली ड्रेन आउट हो जाते हो, फिजिकली होते हो, तो ये चीज बच्चों को पता होनी चाहिए कि कितना हम लोगों के लिए सफर किया। ऐसे ही नहीं बच्चे इजीली इस दुनिया में आ जाते। तो चलो इस वीडियो का एंड करते हैं। चलो, we'll see you in the next video. Till then, do like, share, comment, subscribe and don't forget to press bell icon. Peace.